बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मफिन्स। और उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए सेल्फ रेजिंग फ्लावर 3.5 कप, 2 टीस्पून ईस्ट, 5 टेबलस्पून ऑयल, 2.5 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और वार्म वाटर चाहिए हमें नीडिंग के लिए भी, और 1/2 कप जितना वार्म वाटर हम ईस्ट चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले ईस्ट चेक करेंगे, उसके लिए हम मेरे पास ये वार्म वाटर है, उसमें हम 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं और हमारी 2 टीस्पून ईस्ट ऐड करके इसको मिक्स करके हम कवर करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अगर ये राइज हो गई तो हम इसे यूज़ करेंगे, नहीं तो डिस्कार्ड करके दोबारा चेक करेंगे। ये हमारी ईस्ट फॉर्म हो गई है, ये एक्टिव है। अब हम डो में तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ये मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, ये जो सॉल्ट है वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया, जो हमारे पास शुगर रह गई थी वो ऐड कर दी। अब हम इसमें अब ऑयल ऐड करेंगे, और इसको नीट करेंगे। अच्छे से डो को नीट करेंगे हम ये ईस्ट के वाटर से। अगर अब फिर ज़रूरत हुई तो हमारे पास और एक्स्ट्रा वाटर है जिसको हम ऐड करके इसको सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये देखें, हमने ऐड करके वाटर इसको इतना सॉफ्ट मिक्सिंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, काउंटर पे थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे। और इस डो को काउंटर पे ले आएंगे। काउंटर पे लाने के बाद हम इसको पूरे 10 मिनट तक नीट करेंगे। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इसे हल्का सा ऑयल लगा के राइज होने के लिए रख देंगे 1 से 2 आवर्स के लिए किसी वार्म प्लेस पर कवर करके। ये हम डो को चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा राइज हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसको पंच डाउन कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा और काउंटर पर डाल के नीट कर लेंगे। हल्का सा फ्लावर डस्ट करते हैं। इस डो से 12 इंच के आपके 2 पिज़्ज़ा बहुत आराम से बन जाएंगे। अब इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 2 में। अब हम इसको रोल आउट कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये 1 टिन है चॉप टोमेटोज़ का 400 ग्राम्स का, और इसके साथ हमें चाहिए बेल पेपर यानी कि कैप्सिकम 1/2, ये बड़ी वाली थी तो आधी लिए, छोटी हो तो 1 ले लें, और ये 1/2 अनियन है इसे ऐसे चॉप कर लिया रफली, 1 ग्रीन चिली, तंदूरी मसाला चाहिए हमें,
सॉल्ट टू टेस्ट ये हाफ टी स्पून है, तंदूरी मसाला भी हाफ टी स्पून है, जीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून, शुगर है 2 टीस्पून, ये टोमेटो प्यूरे है ये है 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, ओरिगानो हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून। हम इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में टोमेटो को, अनियन को, कैप्सिकम को, ग्रीन चिली को और साथ उसके सॉल्ट और टोमेटो प्यूरे को ऐड करके हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारा तमाम चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं एक्सेप्ट शुगर ओरिगानो के, बाकी सब चीज़ें ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर ली हैं। अब हम अपना ये ब्लेंडेड जो है इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया है, ये खुद ही इसी के उसमें सारा कुछ जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया। और इसको हमने कुक करना है उस वक्त तक जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और इसमें जो टोमेटो का वाटर है वो ड्राई हो जाए। इसको हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये देखें इसका ऑलमोस्ट वाटर ड्राई हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप इसको टेस्ट करके अगर आपको लगता है कि सॉल्ट या चिली या कुछ और आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम लास्ट में इसमें ओरिगानो ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना। और इसको ठंडा कर लेंगे पिज़्ज़ा पे डालने से पहले। ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। मिक्स कर लेते हैं इसको और इसको अब रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। चिकन टिक्का के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन है ये क्यूब्स में कटी हुई, साथ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप अगर ज़्यादा चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, शान का टिक्का मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्यूमन पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल। चिकन में अब हम तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे मैरिनेट करने के लिए। ये हमने योगर्ट ऐड कर दी, लेमन जूस ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, जीरा पाउडर, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया, इसे 1 आवर के लिए मैरिनेट होने हम छोड़ देंगे। आफ्टर 1 आवर हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके या हमारी मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और साथ ही हमारे पास ये कोल्ड स्मोक के लिए बहक रहे हैं जिससे हम इसमें स्मोक देंगे ताकि बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए इसमें हमारा। ये देखिए चिकन ने कितना सारा पानी रिलीज किया है, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया है। इसको इसी तरह कुक करेंगे, चिकन अपने ही पानी में गल जाएगी। हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है, इसका सारा वाटर हम खुश करेंगे कुक करके।
ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब हम इसके सेंटर में एक फॉइल का पीस रखें। और मैं ये फोल ला के इसमें रख रही हूँ। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। फिर 3-4 मिनट्स के लिए स्मोक देंगे और उसके बाद मैं ये कोल इसमें से निकाल लूंगी। बस हम अब इसमें से कोल निकाल लेते हैं और जो ये ऑयल इसके अंदर है वो हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि इस ऑयल में बहुत फ्लेवर होता है तो इसे फेंकेंगे नहीं और उसको मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम ठंडा करेंगे ताकि हम इनको टॉपिंग के लिए यूज कर सकें। अब हम पिज़्ज़ा मफिन्स बना रहे हैं। ये देखें मेरे पास मफिन की डिश है, इसे ग्रीस कर लिया है। इस तरह से पिज़्ज़ा का डो जो है हमने बेल लिया है। ये मेरे पास कटर है, ये मैंने अपने मफिन के ट्रे के मुताबिक इसका साइज है। अब मैं इस तरह से इसके इसका बेस निकाल लूंगी और फिर ये हम इस तरह से नीचे बेस लगा देंगे और इसके ऊपर सारी टॉपिंग होगी। फिर इसको ऐसे लगा के भी अब मैं हाफ आवर के लिए छोड़ दूंगी। जो हमारे पास साइडों में बच गई है उसे दोबारा बेल के मैं बाकी के उसमें मफिन्स में भर रही हूँ। ये मफिन के डो को हमने हाफ आवर के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसकी मैं आपको एक दो बताती हूँ, उसके बाद बाकी आप कर लीजिएगा। ये हमने उस पर हल्का सा पिज़्ज़ा सॉस डालना है और साथ हमें चिकन के चंक्स ऐड करने हैं। टॉपिंग आपकी अपनी मर्जी है, जो आपके बच्चों को और जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। मोज़रेला और चेदर चीज़, और इसी तरह मैं सारी फिलिंग कर दूंगी और फिर हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। ये पिज़्ज़ा मफिन की सारी मैंने असेंबलिंग कर ली है, एंड में थोड़ा सा ओरिगानो इन पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। अब मैंने बेक होने के लिए ओवन में डाल रही हूँ। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में ये बेक होंगे। ये पिज़्ज़ा मफिन्स ओवन से निकाल लिए हैं, ये अभी इस वक्त बहुत गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए फिर आप इसको मफिन टिन से निकालिएगा, ये आराम से निकल आएंगे। आप इन्हें बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं, आप ये पिकनिक के लिए बना सकते हैं, ये बिल्कुल पार्टीज में आप इसको बना के रख सकते हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।